तो अमेरिका में बैठे देर रात नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इसमें हसन नसरल्ला समेत हिजबुल्ला के कई कमांडर्स की मौत हो गई है। हमले के वक्त हसन नसरल्ला वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी मौत पर अब भी संदेह बरकरार था। हालांकि IDF ने इसकी पुष्टि कर दी है। वही मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल की जो मौत इसमें हो चुकी है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। डिप्टी कमांडर हुसैन अहमद भी इसमें मारा गया है। साथ ही नसरल्ला के भाई हाशिम के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो IDF ने कल जो टारगेट किया था उसमें हुसैन अहमद डिप्टी कमांडर भी मारा गया है। मारा गया हिजबुल्ला चीफ। हिजबुल्ला का गेम ओवर। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला था। उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इसराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इसराइल ने बेरूत में मिसाइलें दाग दी। हमलों को लेकर इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्ला के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी, और इसी इमारत में नसरल्ला के होने का भी दावा किया गया। इसराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया वो एक घनी आबादी वाला इलाका था। उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्ला के हथियार और मिसाइलें रखी थी, और इसी हमले में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के मारे जाने का भी दावा किया गया। इसराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्ला के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे, और इसके बाद ही हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हमास में तबाही के बाद इसराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमास पे इसराइल के हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए, और उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है, और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इसराइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ हवाई मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्ला की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है।